देखें, पहले मैं उन वजीर साहिबा के बारे में कह दूं, देखें स्लिप ऑफ टांग, गलती हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई। मेरा ख्याल है कि वो बड़ी एक आउटस्टैंडिंग वजीर है हमारी, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा। और ये भी आप जहन में रखें कि वो एक डायरेक्टली इलेक्टेड खातून हैं, वो डेरा गाजी खान में इलेक्शन लड़के आई हैं, वो रिजर्व सीट्स पर नहीं आई हैं। तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, और काबीना में भी और पार्टी में भी उनकी, इसीलिए रिस्पेक्ट है। गलती हो जाती है, बाज़ोकात हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, जिसको कि मेरा ख्याल है कि हमें दरगुजर भी करना चाहिए और नज़रअंदाज करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा आपका जो सवाल था वो था जहांगीर तरीन साहब के रिलेटेड, ठीक है। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात की वो की, तो उनको मालूम था कि इसमें कौन कौन शुगर के कारोबार में कौन कौन है, लेकिन उनको ये भी यकीन था कि जो जिस तरह की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनकी पार्टी का कोई है या कोई बाहर का है, क्योंकि ये किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं थी। इस इन्वेस्टिगेशन की जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये बिल्कुल वो इनडिस्क्रिमिनेटली की है, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि पहले कभी होता नहीं था, और ये वही प्राइम मिनिस्टर कर सकता है जो कि कारोबार ना करता हो। जो कारोबार करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स, उन्होंने आपने देखे, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। जी सॉरी जी, उनका सवाल रह गया है। मैं जहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, उनके बयान, उनके इंटरव्यू के, इसमें कैबिनेट में ज़रूर बात हुई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी उससे कहा कि पार्टी में जो है तो इत्तेहाद करना, बरकरार रखना चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाहर जो कि पार्टी के या हुकूमत के को एक इफेक्ट डाल सकती हो।